आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से मिले थे और जो एक तरह से CHA की मांग थी वो इनको बताई गई और इन्होंने आज वार्तालाप के लिए बुलाया और उनका ये कहना है कि मैंने सरकार में बात कर ली, FD में बात कर ली, वो पॉजिटिव है FD और सरकार, तो आपका रास्ता निकालेंगे। अब ये हमारे CHA का कहना है कि रास्ते निकालने की बात बहुत दिनों से कह रहे हैं, हमें समय और बता दें कितने दिन में रास्ता निकल जाएगा। तो वो बिना बात किए मुख्यमंत्री जी से या FD से समय नहीं बता रहे, इसलिए हम हमारी तरफ से समय दे रहे हैं कि 15 दिन में ये मनवांछित परिणाम दे दें वरना 22 तारीख से विधानसभा का घेराव करें, ये CHA के प्रतिनिधियों ने तय किया। तो क्या माने जो आज की जो वार्ता है वो भी एक तरह से विफल ही रही सर, कोई निष्कर्ष नहीं निकला? रवि आ गया हूँ। रवि क्या रहा दूसरे दौर की वार्ता, क्या कुछ मिला या आज भी नहीं रहा? विफल भी कह सकते हैं और नहीं भी, जो भी पहले इनके बयान थे, कल और बयान थे, आज हो रहे हैं, वही पॉजिटिव है, सब करेंगे। लेकिन हम अभी बाबा से बात करेंगे और अपने साथियों से बात करके आगे की जो भी रणनीति होगी उसके ऊपर तय करेंगे भी आगे क्या करेंगे। अभी इन्होंने विधान लिखा मेरा सुझाव है, बाबा के साथ हैं हम, बाबा जैसा बोलेंगे वैसा। तब तक क्या अपना धरना जारी है? बाबा मेरा जैसा इनको सुझाव है कि 15 दिन का इनको समय दे दिया जाए, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का कहना ये है कि मैंने FD से बात की है, सरकार से बात की है और FD पॉजिटिव है, सरकार पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 15 दिन में काम करके दे दे, नहीं है तो 22 तारीख से विधानसभा का धरना दिया जाए। सर जब तक जो महापड़ाव डाला है उसका क्या रहेगा स्टेटस? क्योंकि अभी जाके पूछेंगे, सर्वसम्मत राय करेंगे और बाबा जो भी निर्णय लेंगे हम बाबा के साथ हैं। बाबा जो भी निर्णय लेंगे हम बाबा के साथ हैं, बाबा ने हमारी लड़ाई आगे आकर लड़ी, हम बाबा का कहना मानेंगे। धन्यवाद।